कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी इन दिनों यूपी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। जल्द ही उनकी ये यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। इसे लेकर पार्टी नेता और कार्यकर्ता जोर शोर से तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसके अलावा पार्टी लोकसभा चुनाव की भी तैयारियों में है। इस बीच मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुखिया जीतू पटवारी ने बड़ा ऐलान किया है। उनका कहना है कि न्याय यात्रा के बाद राज्य में राम यात्रा निकाली जाएगी। जीतू पटवारी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि हर व्यक्ति को अपना जीवन अपने तरीके से जीने का अधिकार है। जिस दिन मोदी जी कहेंगे उसी दिन रामलला के दर्शन को जाएंगे क्या? उन्होंने कहा कि हम मध्य प्रदेश में राम यात्रा निकालेंगे, कार्यकर्ताओं के साथ राम मंदिर पहुंचकर दर्शन करेंगे। हालांकि फिलहाल ये तय नहीं है कि यात्रा कब निकाली जाएगी। जीतू पटवारी ने कहा कि कोर्ट के आदेश के बाद राम मंदिर पर लगे ताले को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने खुलवाया था। उन्होंने कहा कि बीजेपी के राज में मंदिर बनना अच्छी बात है, ये धर्म और आस्था का व्यक्तिगत विषय है। माना जा रहा है कि राम यात्रा के जरिए कांग्रेस भी राम मंदिर का श्रेय लेने की कोशिश करेगी। कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य हमेशा से एकमात्र होता है कि भगवान राम का मंदिर बना, स्वागत भी है, सत्कार भी है और खुशी भी है। ये कांग्रेस पार्टी ने अब नहीं कहा, ये हमेशा कहा कि कोर्ट के आदेश पे जो होगा वो स्वीकार्य है और वो हुआ उसकी खुशी है। जब कोर्ट ने आदेश किया था हमें मंदिर के ताले खुलवाने का, वो खुले थे। राम का मंदिर बना, राम यात्रा भी होगी, दर्शन भी होंगे, पर राम के भक्तों का क्या होगा? ये महंगाई सर चढ़ के बोल रही, इसका क्या होगा? राम यात्रा के जरिए याद दिलाएंगे महंगाई कम करो। राम यात्रा के जरिए हर घर से एक बच्चा बेरोजगार है। ये सरकार को भगवान राम की दर्शन करते हुए याद दिलाएंगे कि इन बेरोजगारों का, बेरोजगार भक्तों का कुछ करो। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत 5 मार्च को उज्जैन में स्थित महाकाल मंदिर में दर्शन करेंगे। कांग्रेस महासचिव संचार प्रभारी जयराम रमेश ने ANI से बात करते हुए कहा कि दिल्ली में चुनाव संबंधी बैठकों के मद्देनजर 26 फरवरी से 1 मार्च के बीच यात्रा रोक दी जाएगी। कांग्रेस नेता ने कहा कि 5 मार्च को राहुल गांधी दर्शन के लिए उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर जाएंगे। ये भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की मंदिर की दूसरी यात्रा होगी। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का लक्ष्य 15 राज्यों से होकर 6,700 किलोमीटर की दूरी तय करना है। लोकसभा चुनाव के नतीजों पर राहुल गांधी की इस यात्रा का कितना असर होता है, ये देखना दिलचस्प होगा। वहीं MP में कांग्रेस की राम यात्रा भी प्रभावकारी हो सकती है।